हॉलो डिस्क। अगर मैं डिस्क की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होती है, ओके। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दैट, ओके। तो ये जो पोर्शन है इतना, जो कि मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, इसको अगर हम डिस्क जैसे हॉलो डिस्क के हिसाब से करें तो एक है इसका इनर रेडियस, ओके, और एक है इसका आउटर रेडियस, ओके। एक है इसका इनर रेडियस, एक है इसका आउटर रेडियस। सो इसका इनर रेडियस को हम आर वन बोलते हैं। कैन आई ड्रॉ इट बिगर? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी दैट, सो जस्ट ट्राइंग टू मच बिगर नाउ। Let us consider, this is a disk, ये disk है, ओके। इसको हम डिस्क अगर कंसिडर करते हैं तो ये हो गया इसका इनर रेडियस, जिसको मैं आर वन बोलता हूँ, और ये इसका आउटर रेडियस, जिसको मैं आर टू बोलता हूँ। ले जस्ट कंसिडर इन अ थ्री डी मैनर, दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क। अगर मैं इसके लिए फोर्स का अगर फॉर्मूला निकालूँ तो इसका फॉर्मूला आएगा मेरा एफ इज इक्वल टू, सी यहाँ पे रेडियस है, हमारे को पता है फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू, नॉर्मली हमारा फॉर्मूला यही था, टी इज इक्वल टू एफ बाय एल। तो ये एल को हम लेंथ एरिया कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई रेडियस आर वन प्लस आर टू इन टू टी, ओके। देन थर्ड बॉडी हमारा सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट और डिस्क, ओनली डिस्क हैविंग रेडियस आर, ओके। तो इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला निकालू फोर्स के लिए, तो एफ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, व्हाट इज एरिया, नथिंग बट सर्कमफेरेंस, टू पाई आर इंटू टी, ओके। देन फोर्थ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन, डोंट वरी, जस्ट लेट वेट फॉर अ मिनट, आई एम जस्ट राइटिंग इट, ओके। देन उसके बाद स्क्वायर प्लेट, ये बॉडीज इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इन बॉडियों पे या ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट्स व्हाई, ओके। देर आर सो मेनी डिफरेंट बॉडीज, देर आर सो मेनी डिफरेंट बॉडी, बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम रेगुलरली बॉडीज विच इज रेगुलरली आस्क क्वेश्चन ऑन दैट बॉडी। तो स्क्वायर प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो फिर से वही फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू टेंशन, तो व्हाट इज एरिया, 4L इंटू टी। देन फिफ्थ, स्क्वायर फ्रेम, इसके ऊपर क्वेश्चन दो बार आ चुका है, ओके। तो स्क्वायर फ्रेम और बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके। इसका साइड होता है L, कंसिडर करके चलो, ओके। तो इसका आएगा एटल इंटू टी, ओके। सी हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो हमारी जो चीज़ है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन डिफरेंट बॉडी। तो डिफरेंट बॉडी के लिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो नीडल फोर्स इंटू एरिया इंटू लेंथ। अगर ये फॉर्मूला को हम देखें तो फॉर्मूला यही होगा ना, एफ इज इक्वल टू एल इंटू टी। तो एल क्या है यहाँ पे, एल इज नथिंग बट द लेंथ। अगर आपको कल का टॉपिक अगर याद आता होगा तो मैंने बोला था वाटर सरफेस है, एक बीकर लो, बीकर में टेक अ
पीस ऑफ पेपर, पुट अ नीडल ऑन दैट, एक कागज के ऊपर नीडल रखो और वो कागज को जेंटली लाइटली पानी के ऊपर छोड़ दो, तो होगा ये कि पानी एब्जॉर्ब कर लेगा कागज, या कागज पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो कागज नीचे चला जाएगा, इट्स फॉल डाउन एंड दैट नीडल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड दिस इज ड्यू टू सर्फेस टेंशन. मैंने जब उसका डेफिनेशन बताया था सर्फेस टेंशन में, ये वो टाइम पे मैं ये बताया था कि होगा ये कि कागज नीचे चला जाएगा और वो नीडल पानी के ऊपर यानी वो सर्फेस फिल्म के ऊपर फ्लोट होते रहेगी. ओके तो वो नीडल जो है दैट इज द लेंथ. अभी वो नीडल के जगह आपका एक प्लेन शीट भी हो सकता है, आपका डिस्क भी हो सकता है, एनी रेगुलरली शेप बॉडी. तो ये रेगुलरली शेप बॉडी के लिए फॉर्मूला है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमारा फॉर्मूला है तो ये अगर हमारी उस क्या बोलते हैं नीडल है तो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा दोनों साइड में एफ विच इज परपेंडिकुलर ओके कल ये बात हो गई थी अपनी डिस्कस. ओके ये टेंजेंशियल दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइड में, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने के कारण वो नीडल बैलेंस हो रही है. ओके तो यही बात अगर हम इसके लिए करूं पहला नीडल के लिए तो फोर्स एरिया इनटू लेंथ और लेंथ सी द फॉर्मूला सेम थिंग वी गेट. देन हॉलो डिस्क एफ एरिया इनटू टेंशन. देन सर्कुलर प्लेट, प्लेट इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस इनटू टेंशन. देन स्क्वायर प्लेट 4L इनटू टी. ओके व्हाट इज 4L? नथिंग बट द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट इनटू टेंशन एंड अ स्क्वायर फ्रेम. ओके 4L इनटू टी. फ्रेम की अगर बात करूं तो कुछ इस तरीके से होती है फ्रेम. इस तरीके से होती है ये फ्रेम. ओके और प्लेट की अगर बात करूं तो ये नॉर्मल है ऐसी. ओके तो प्लेट दिस सर्कुलर प्लेट, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल. ओके सो दीज आर द केसेस. अभी इनके ऊपर एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है जो कि पूछा था एमएसटी सीईटी में. I am going to rub this. Okay. Question इस तरीके से था. A square plate of a dimension, a rectangular plate. Of dimension 6 centimeter into 4 centimeter and thickness 2 mm is placed with its largest face flat on the surface of water What will be the downward force on the plate due to surface tension? Okay.
ये क्वेश्चन था हमारा। सी क्वेश्चन ये है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट। अभी मैंने, आप बोलेंगे कि सर ने तो पांच ही रेगुलर शेप बॉडी बोला है, बट यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो फिर आएगा कैसा? सिंपल है, फॉर्मूला ये रहेगा, फोर्स एज इट इज रहेगा, टेंशन एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे एरिया चेंज होगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ओके, उसका अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप इजीली पता चल निकल सकते उसका। तो वेरी इजी टू फाइंड दैट। सी हम पता है जो जो चीजें अभी गिवन है वहां पे वो चीजें लिख लो। अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ द डायमेंशन 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को, एक को अगर आप लेंथ लोगे, ब्रेथ लोगे, तो दूसरे को लेंथ लेना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दूसरा बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, थिकनेस ऑफ 2 mm, थिकनेस ऑफ 2 mm, तो उसका थिकनेस को मैं बोलता डी 2 mm। ओके, इसका कन्वर्शन आना चाहिए 6 × 10⁻²। इसका आना चाहिए 4 × 10⁻²। इसका आना चाहिए 2⁻³। ओके, ये हो गया। फिर क्या बोला है, सरफेस प्लेस विद द लार्जेस्ट फेस दैट फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द डाउनवर्ड फोर्स। हमारे डाउनवर्ड फोर्स निकलना है ऑन द प्लेट ड्यू टू द सरफेस टेंशन। उसने सरफेस टेंशन गिवन दिया है, कितना दिया है, 7। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट 7 × 10⁻²⁻ N/m। ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ 7 × 10⁻²⁻ N/m, तो ऑब्वियस है हमारा फॉर्मूला वैसा है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। शॉर्ट ट्रिक यही था मेरा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ बाय एल, तो एफ इज इक्वल टू एल इंटू टी, बट यहाँ पे एल नहीं, यहाँ पे एरिया आएगा, तो फॉर्मूला वही बनेगा मेरा, एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टी। ओके सॉरी, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू टी, तो टू, व्हाट इज दैट एल, 6 × 10⁻², प्लस व्हाट इज बी, 4 × 10⁻²। होप सो कि आपको सबको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता होगा, एंड यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, −2 Nm². अभी सबको मैंने ऐसा फॉर्म में ला लिया है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो इजीली आ जाएगा, 7 × 2 = 14। ओके, फिर ये 6 × 4 × 10⁴, पहले इसको एज इट इज लिख देता मैं, 6 × 10⁻², प्लस 4 × 10⁻², × 10⁻²। ओके, 7 × 2 = 6 × 10⁻⁴, तो मुझे 14 + 4, तो मेरा आंसर रहेगा 1.4। तो पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो आ जाएगा मेरा 1.4, देन 10⁻², पॉइंट शिफ्ट करो, −2 − 4, तो आ जाएगा −2 Nm। सो दिस इज माई फोर्स, ईजी लाइक इट। आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इन JEE नीट और MHTCT एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू आर एबल टू फाइंड द आंसर इन वेरी क्विक टाइम, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज यू नो द फॉर्मूला, यू नो द कंसेप्ट, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, वी गेट द आंसर, दैट इज वेरी गुड, बट यू टेक अ मच मोर टाइम, then it is not good for you, for your result. Okay, so do it as early as possible, it depend on your practice and skill. Okay, so this is the first topic today we cover. The next topic is angle of contact, capillary action. Okay, so see, ओके, वेट अ मिनट, ओके,
मोबाइल बंद करता है मोबाइल। ओके, एक न्यूमेरिकल था इसके ऊपर, हमारे को लैपलास लॉ के ऊपर लेना था, जो कि वी आर गोइंग टू टेक दैट 7105। थोड़ी स्पीड कम ही करा। बंद करूंगा। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल आस्क्ड इन सीटी, बट सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट फेसिंग अ प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, अ सोप बबल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is blown, then surface tension of soap solution is 39 per centimeter, then calculate the work done in blowing the bubble. Okay, very simple question. Okay, क्वेश्चन ऐसा था, द सोप बबल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ब्लोन, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 39 सेंटीमीटर दिया है, देन कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल। हमारे को वर्क डन निकलना ब्लोइंग द बबल। ओके, वेरी इजी, सी व्हाट हैपन, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बलून। ओके, नाउ इफ यू ब्लो द एयर, अगर हम एक बलून की बात करते हैं उसके अंदर एक हवा ब्लो करते हैं, तो होता है कि उसका एरिया बढ़ता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द इलास्टिक एनर्जी, वी नो दैट। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दैट ऑल। यहाँ पे कोशिश वही होंगी कि वही हमारा एक सोप बबल है, उसका रेडियस 10 था, उसको ब्लो किया, सरफेस टेंशन दिया है, तो जब वो ब्लो होगा तो वर्क डन कितना होगा ये हमको निकालना है। तो गिवन क्या क्या है, अभी हमारे को पता है सोप बबल है उनके टू सरफेस एरिया, होता है ये है कि सोप बबल में कितने सरफेस एरिया, दो सरफेस एरिया होता है, और फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, वी नो दैट फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता साइड में, क्या है हमारा dW इज इक्वल टू TdA। ओके, तो सरफेस टेंशन पता है, बस एरिया, यहाँ पे हमारे को बबल का एरिया अगर मिल गया तो पता हो जाएगा, पर बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे गलती ये करते हैं कि बबल का एरिया तो सबको पता है, यानी स्पीयर का एरिया सबको पता है, बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि बबल हैविंग द टू सरफेस एरिया, तो वो टू से मल्टीप्लाई नहीं करते और आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू TdA, वेरी सिंपल, वेरी इजी, टेंशन इज गिवन, dA एरिया, बट दिस इज द चेंज इन एरिया, dA चेंज इन एरिया, तो एरिया हम ले रहे हैं, तो बबल सोप बबल स्फेरिकल होता है तो उसका एरिया हमको पता है, बट सोप बबल हैविंग द टू सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अगर उसको दो सरफेस एरिया तो आपको उसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, द टोटल न्यू सरफेस एरिया मैं यहां पे लिख देता, टोटल न्यू सरफेस एरिया जो क्रिएट हो चुका है, क्रिएटेड कितना होगा वो, व्हाट इज 4πr² 2 × 4πr² ओके, तो कितना हो जाएगा 8πr² हमारे को दिया है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ये हमारा बबल था, ओके, इसको ब्लो किया तो यहां तक गया, ये कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ओके। तो अभी फॉर्मूला तो हमको पता है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू टी सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया कौन सा, ये न्यू क्रिएटेड एरिया, ओके। तो सरफेस टेंशन कितना है 30, अभी 30 डाइन है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को, या लास्ट में उसको अर्ग में आएगा तो न्यूटन में हम क्रिएट कर सकते। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये डाइन पर सेंटीमीटर है, दोनों सीजीएस यूनिट है मेरे, तो मैं उसका आंसर सीजीएस में ही निकालूंगा, लास्ट में उसको न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा तो, या वो आंसर न्यूटन में मांगते होंगे तो, अदरवाइज नो नीड टू डू दैट और कन्वर्ट इन टू एसआई फॉर्म एंड देन सॉल्व इट, बिकॉज इन लास्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, उसको एसआई में कन्वर्ट किया और फिर सॉल्व किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम, ओके, क्योंकि सभी सीजीएस में दिया है। तो 30 इंटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 8 पाई आर स्क्वायर, सो 30 इंटू 8 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है, गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा 300 इंटू 8 इंटू 3.14, ओके, इंटू 3.14 सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा उसका 7.54, ओके, इंटू 10 टू द पावर शिफ्ट करोगे तो 4, वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, और सीजीएस में अर्ग, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस इसको ध्यान में रखना है, ये दो जो है ना, ये टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि नॉर्मली हमको पता है सरफेस एरिया कितना होता है बबल का, 4πr², बट यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि दो सरफेस सोप बबल एंड द 2 सरफेस एरिया, आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, व्हाई, वो डोंट डू दैट मिस्टेक, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल, ओके। सो ये एक क्वेश्चन था बबल के ऊपर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इसमें एक और चीज आएगी, कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन, ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाने से पहले या बताने से पहले मैं कुछ चीजें उसके रिलेटेड बताना चाहता हूँ, ओके। एक ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मली ऑब्जर्व हम अगर करते हैं चीजों को तो हमको वो चीजें पता चल जाती है, ओके। अगर आप फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में कभी गए होंगे तो वहाँ पे जो ब्यूरेट और पीपेट रहती है, अगर उसको कुछ केमिकल से या वाटर से या एसिड से या बेस से फील करते हैं, तो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, अभी वो होता है नैरो बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट बिगर, ओके। अगर ये है इसको फील्ड कर दिया हमने लिक्विड से, तो इसका जो अपर पोर्शन है टॉप मोस्ट पोर्शन वो आप कुछ इस तरीके से देखोगे, यानी ये पोर्शन तो स्ट्रेट है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं यहां पे तो ये ऐसा कर्व सरफेस मिलता है, इट गेट क्रिप्टेड इन अपवर्ड साइड, ये अपवर्ड साइड में क्रिप हो रहा है, और कुछ लिक्विड जैसे हम मर्क्यूरी अगर कंसिडर करते हैं तो मर्क्यूरी के केस में होता ऐसा है कि वो लिक्विड कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ करें इतना भी नहीं होता है कर्व, बट मुझे कुछ समझाना है दिखाना है इसलिए मैं उसको उस हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पे क्रिप डाउनवर्ड, यहां पे क्रिप अपवर्ड, यहां पे क्रिप डाउनवर्ड,
ओके, क्रिप डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड क्रिप्ट हुआ है और यहाँ पे अपवर्ड क्रिप्ट हुआ है, और वही यहाँ पर ये आप ऑयल की बात करो, यहाँ पे मर्क्यूरी, ओके, और वही अगर आप प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर लेते हो जो नॉर्मली गाड़ियों की बैटरी चार्ज करने के लिए यूज होता है, तो वहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रेट मिलेगा, प्लेन, ओके। व्हाई दिस हैपन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमको समझना है। यह ऐसे दिखेगा, यह ऐसे दिखेगा, ओके, प्लीज पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ओके, कॉन्सेंट्रेट कीजिए टॉपिक पे। सो होता ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हेन अ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड, अगर मैं इसे को थोड़ा डिटेल में लूं, थोड़ा वेसल को बड़ा कर देता, थिकनेस उसका समझने के लिए थोड़ा आसान हो, ओके, ये वेसल है और ये मेरा लिक्विड है, यहां पे लिक्विड है, When a liquid is in contact with a solid, यहाँ पे contact में आ रहा है, यहाँ पे contact में आ रहा है, okay? When a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn on the free surface of liquid, क्या बोल रहा हूँ? Angle drawn on the free surface of liquid, free surface ये है और ये होगी इसकी tangent, okay? ये free surface है, ये होगी इसकी tangent, then angle measure inside the liquid, inside means यहाँ पे, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर से एक बार बता रहा, प्लीज पे अटेंशन, उसने ये बोला व्हेन अ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा, ओके, व्हेन अ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड, अ टेंजेंशियल लाइन ड्रॉन ऑन अ फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, ये हो गया, सो द एंगल मेजर इनसाइड द लिक्विड, अगर मैं इसको टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा एंगल हो जाएगा यहाँ पे थीटा, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरा एंगल हो जाएगा यहाँ पे थीटा, अगर मैं इसको टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल हो जाएगा मेरा यहाँ पे थीटा, तो व्हाट आई ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे एंगल एक्यूट है, यहाँ पे एंगल ऑब्टूज है और यहाँ पे एंगल जीरो है, मीन्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्टूज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, मीन्स लिक्विड टू लिक्विड एंड अनदर केस प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मटेरियल कौन से हिसाब से है एंड द कंडीशन, मीन्स एटमोस्फेरिक अपर कंडीशन, सी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स ऑल्सो, कौन से फैक्टर्स है, आउटसाइड प्रेशर फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, सी ऑयल का नेचर अलग होता है, केरोसिन का नेचर अलग होता है, मीन्स देयर थिकनेस एंड प्रॉपर्टी, मर्क्यूरी सरफेस को वेट ही नहीं करता है वो, ओके, इट डू नॉट वेट द सरफेस, ओके, बट वही केरोसिन, मिल्क, ऑयल, इसकी बात करूँ तो मटेरियल को वेट करता है बट पार्शियली वेट करता है, पार्शियली मीन्स समझते हो कि उसको वेट करने के लिए टाइम लगता है, आप केरोसिन कपड़े के ऊपर डाल दो केरोसिन एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट वही पानी डाल दो कपड़े के ऊपर तो पानी पट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज द नेचर ऑफ दैट लिक्विड, तो एक्यूट, ऑप्टूज एंड जीरो, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिक्विड फर्स्ट, देन एटमोस्फेरिक और आउटसाइड प्रेशर, देन थर्ड देयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड प्लेन क्रिपिंग, मीन्स इसको शॉर्ट में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, अ लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सॉलिड, ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को कंप्लीटली वेट करता है, हैविंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो, ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को कंप्लीटली वेट करता है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो आएगा,
मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ,